नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। तो दोस्तों, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि एक ऐसी सीरीज मैं स्टार्ट करूं जिस सीरीज में मैं रॉयल एनफील्ड, जो कि बुलेट, स्पेशली मैं अगर बुलेट की बात करूं तो उसके ट्रबल शूटिंग्स और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बाइक के अंदर हो सकती हैं, या फिर उसकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया में रॉयल एनफील्ड बुलेट के आज भी बहुत लोग दीवाने हैं, उससे रिलेटेड मैं एक सीरीज बनाना चाह रहा हूं। तो ये सीरीज शुरू हो जाती है इसी वीडियो से। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इसी तरीके से प्रमोट करते रहिए और इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे, तो मेरा ये चैनल इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा और मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरा जो प्राइम बिजनेस है वो बहुत ही सबसे अलग है, लेकिन ये मेरा पैशन है, मैं इसलिए इसको समय दे के इसको बनाता हूँ। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम फोर स्ट्रोक इंजन की अगर हम बात करते हैं तो ये फोर स्ट्रोक का मतलब क्या है? जो हमारी मोटरसाइकिल्स होती हैं या हमारे जो टू व्हीलर्स होते हैं, इसमें फोर स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल होता है। इस फोर स्ट्रोक का मीनिंग क्या है? फोर स्ट्रोक का अपना एक मकसद होता है, उसको चार स्ट्रोक्स होते हैं इसके अंदर। चार, साधा भाषा में अगर समझें तो चार स्टेजेस होती हैं। उन सारी स्टेजेस को अलग अलग नाम दिया गया है। जो हमारा पिस्टन होता है इंजन के अंदर, जो हमारा हेड होता है, जहां से हमारा एक एग्जॉस्ट का पाइप निकला होता है, इसमें एक हमारा सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है, जो कि पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता रहता है। जो ये पिस्टन होता है, इसको अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग काम करने होते हैं। उस पोजीशन को हमने चार स्ट्रोक्स नाम दे दिए हैं। जब पिस्टन हमारा सबसे टॉप पे रहेगा तो एक अलग फंक्शन रहेगा, फिर नीचे आएगा अलग फंक्शन होगा, बीच में रहेगा अलग फंक्शन होगा। तो ये सारी जो स्टेजेस होती हैं, इनको अगर कंबाइन कर देते हैं तो हम एक फोर स्ट्रोक इंजन बोल देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, जब हमारी पहली जो स्ट्रोक होती है, पहली स्ट्रोक का मतलब होता है इनटेक, या उसको सक्शन भी कह देते हैं। ये शुरू होता है जब हमारा पिस्टन बोर के सबसे टॉप पोजिशन पर रहेगा। तो जब पिस्टन जब टॉप पर रहेगा तो हमारा एक इनटेक वाल्व होता है ऊपर, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है ऊपर। जो इनटेक वाल्व है ये कार्बोरेटर से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमारा पिस्टन ऊपर से जब नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो मेरा जो पिस्टन है, जो मेरा वाल्व है इनटेक का, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही वाल्व ओपन होगा, फ्यूल इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूल में क्या है? हमारा ऑक्सीजन यानी गैस, साथ में जो हमारा ऑयल है, पेट्रोल है, ये दोनों का मिक्सचर जो है कार्बोरेटर से, ये हमारा इनटेक के टाइम पे इकट्ठा हो जाएगा बोर के अंदर। दूसरी स्ट्रोक स्टार्ट होती है जब मेरा पिस्टन सेकंड नीचे बिल्कुल पहुंच चुका होगा। इस पोजीशन पे मेरा इनटेक वाल्व बंद हो चुका होगा। अब दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है कंप्रेशन की। पहली मैंने बताई इनटेक, दूसरी होगी कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, या किसी चीज को आ, आ, एक तरीके से कंप्रेस करना, भींचना। तो जब हमारा पिस्टन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो फ्यूल उसमें पड़ा हुआ था, जो इनटेक के टाइम पे आया है, अब इसका कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, दबाव इस पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही इस पे इतना दबाव आ जाएगा, बुरे तरीके से जब वो दबाव झेल चुका होगा मेरा फ्यूल, इमीडिएटली उस टाइम पे मेरा पिस्टन ऊपर पहुंच चुका होगा, क्योंकि मूव करता है पिस्टन। तो जब ऊपर पहुंच चुका होगा, अब काम करेगा मेरा तीसरा स्टेज, जिसको बोलते हैं इग्निशन, यानी मेरा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग एक 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और इस पोजीशन पर आते ही स्पार्क प्लग में से एक स्पार्क निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, और ये ऑलरेडी जो कंप्रेस्ड हमारा जो फ्यूल है, इसमें वो चिंगारी लगते ही इसके अंदर बहुत ज्यादा एक ब्लास्ट होगा, और पावर का एक कह सकते हैं कि पावर सोर्स की तरह ये काम करेगा। एक एक्सपेंशन फोर्स इसमें से क्रिएट होगा, जैसे बम फटता है उसी तरीके से इसमें से भी एक एक्सपेंशन फोर्स पैदा होगा। अब जो हमारी जो एनर्जी जनरेट हुई है, जो एक्सपेंशन से जो एनर्जी जनरेट होगी, इससे फिर पिस्टन को पुश मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा फ्लाई व्हील को, इसको बोलते हैं पावर। और इसी के साथ हमारा एक एग्जॉस्ट का पार्ट भी हमारा काम आ जाता है, जो कि इसी चौथे स्ट्रोक का ही पार्ट है, जिसमें हमारा एग्जॉस्ट वाला वाल्व ओपन हो जाएगा, और जो कुछ भी ये कचरा जला था वो सारा मेरा एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा, जो हम धुआं देखते हैं जो। तो ये चार स्टेजेस मैंने बताई, यही इसको फोर स्ट्रोक इंजन बनाती है। अब जब मेरा एक्सपेंशन होगा तो इंजन को थ्रस्ट मिलेगा, इंजन फिर मूव करेगा फ्लाई व्हील, फिर दोबारा से जब ऊपर आएगा फिर से सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, फिर से सक्शन होगा, फिर कॉम्प्रेशन होगा, फिर इग्निशन होगा, और फिर उसका एग्जॉस्ट हो जाएगा।
एग्जॉस्ट से पहले उसको पावर मिल गई, पावर से हमारा क्रैंक शाफ्ट मूव करेगी, क्रैंक शाफ्ट से फिर मेरा फ्लाई व्हील मूव करेगा, फ्लाई व्हील से मेरा फिर जो स्प्रॉकेट है वो मेरा स्प्रॉकेट मूव करना स्टार्ट करेगा, स्प्रॉकेट से फिर मेरी जो चेन जुड़ी हुई है पीछे वो रियर स्प्रॉकेट मेरा मूव करना स्टार्ट करेगा, इससे मेरा ट्रैक्शन हो जाएगा, मूव मेरी करने स्टार्ट हो जाएगी बाइक। इसको फ्री करने के लिए मेरी क्लच यूज होती है, और क्लच जब एंगेज हो जाएगी तो फिर ये सारी पावर पीछे डिलीवर हो जाएगी। यही बेसिकली हम मोटरसाइकिल इसको हम बोल देते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो बुलेट मोटरसाइकिल की जो हम बात करते हैं, जो ये सक्शन इनटेक और ये सब कुछ जो हुआ, ये हमारा जो इंजन है उसके हम डिटेल्स में जब अब जाएंगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। नमस्कार, जय हिंद।